अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, लर्नर्स। प्रीवियस जो नर्व पे मेरा लेक्चर था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने ये बताया कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन नेगेटिव पोटेंशियल इनसाइड जो है मेम्ब्रेन के वो क्यों रहता है, क्योंकि मैंने बताया था कि पोटेशियम आयंस का जो आउटवर्ड मूवमेंट है, आउटवर्ड डिफ्यूजन है, उसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता है -90 के राउंड अबाउट, और इसको हमने प्रूव भी किया नर्नस्ट इक्वेशन के तहत, जिसके जरिए हमने पोटेशियम आयंस की जो मूवमेंट है आउटसाइड, उसकी वजह से इनसाइड -94 पोटेंशियल रह जाता है, जो कि कुछ लीकेज के बायस वो -90 पे रुकता है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और फिर इनसाइड जो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, मैंने बताया था इब्तदा के पिछले लेक्चर जो पोटेंशियल में था उसके इब्तदा में, कि सोडियम आयंस की इनसाइड जो मूवमेंट है मेम्ब्रेन के, उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। और मैंने यह भी बताया कि पोटेंशियल मीयर किस तरह किया जाता है। इन पोटेंशियल मेयर करने की बुनियाद पे हर्ज़ले को और उसके दोस्त को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। अब हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है नर्व एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम है? नर्व एक्शन पोटेंशियल उसका नाम है। और इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, मेरे चैनल को जॉफर्स बायोलॉजी को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं बिला तखीर। क्या टॉपिक है हमारा? नर्व एक्शन पोटेंशियल। नर्व एक्शन पोटेंशियल हमारा टॉपिक है कि एक मेम्ब्रेन जो रेस्टिंग में थी कोई नर्व इंपल्स वो कंडक्ट नहीं कर रही थी, उस वक्त उस मेम्ब्रेन में उस नर्व सेल की मेम्ब्रेन में जो कि कोई कंडक्शन नहीं कर रही थी, कोई वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही थी, कोई कम्युनिकेशन जारी नहीं थी, कोई पैगाम नहीं जा रहा था उस नर्व की मेम्ब्रेन से, उस वक्त उसका पोटेंशियल -90 था, मिलीवोल्ट था, इनसाइड द मेम्ब्रेन नर्व फाइबर की इंटरनल साइड पे उसका पोटेंशियल -90 था। मैं फिर कह रहा हूं, इनसाइड उसका पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट था नर्व के अक्रॉस। अब नर्व वो जो न्यूरॉन पड़ा है, वो जो नर्व फाइबर पड़ी है, उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस आप जानते हैं जो कोई चेंज उसमें वकूफ पजीर करता है, जो उसमें चेंज ले आता है, नर्व में चेंज ले आता है। अब वो चेंज क्या है वो हम बताते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन तो रेस्टिंग में थी ना, वो मेम्ब्रेन तो रेस्ट में थी, उसका पोटेंशियल इनसाइड तो -90 था। जब तक उसका पोटेंशियल -90 रहता है तब तक वो मेम्ब्रेन कोई पैगाम भी कंडक्ट नहीं करती, वो कोई पैगाम कंडक्ट नहीं करती है। उसका पोटेंशियल जब तक -90 रहता है, इट मीन दैट कि जब भी उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस जो भी हो, वो स्टिमुलस इस काबिल होना चाहिए, वो इतनी एबिलिटी रखता हो कि उस नर्व में जो रेस्टिंग में थी उसको एक्शन में ला सके, आयंस की चेंज करवा सके,
वो जो आयंस इनसाइड मोर नेगेटिव थे, बाहर पॉजिटिव थे, उनकी मूवमेंट करवाए इनसाइड ताकि इनसाइड पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो सके। अब वो स्टिमुलस वो इस नर्व के अंदर पोटेंशियल पैदा करेगा और उस पोटेंशियल पैदा करने की वजह से वो पोटेंशियल जो इनसाइड नेगेटिव था उसको पॉजिटिव की तरफ ले आएगा। उस स्टिमुलस की वजह से ये चेंज वकू पजीर होगी। इस चेंज के बाद पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और ये मेम्ब्रेन जो है वो अपना पैगाम कंडक्ट करेगी आगे की जाने आगे की जाने। और ये मत समझिएगा कि ये अगर मेम्ब्रेन पड़ी हुई है तो कोई नर्व फाइबर है तो उसकी एक साइड पे मेम्ब्रेन नहीं है, उसके राउंड अबाउट चारों तरफ से मेम्ब्रेन है, वो उसकी सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से है। अब वो सेल वो नर्व फाइबर उसकी एक साइड से पोटेंशियल चेंज नहीं होता कि ये मार्कर को अगर मैं फाइबर के तौर पे कहूं तो वो पोटेंशियल जो चेंज होता है यहां से वो इस जानिब से चेंज नहीं होता, वो इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, इस साइड से भी होगा, चारों तरफ से पोटेंशियल चेंज होगा। और वो पोटेंशियल जो है वो जैसे जैसे चेंज होता आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही वो कम्युनिकेशन होती जाएगी, वैसे वैसे नर्व कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होगी और नतीजतन वो पैगाम ट्रेवल करेगा अक्रॉस द फाइबर, वो मैसेज ट्रेवल करेगा उस फाइबर के थ्रू। अब फाइबर शॉर्ट एंड लेंथ भी हो सकते हैं, लॉन्ग एंड लेंथ भी हो सकते हैं। अब मैंने लेंथ का नाम क्यों लिए है, फाइबर्स की लेंथ का नाम यहां पे लेने का मकसद क्या था मेरा, मैं अभी जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पे उसके एक्शन पोटेंशियल में हमने मैंने नर्व की लेंथ का जिक्र क्यों किया। अब वो मेम्ब्रेन पहले रेस्टिंग में थी, रेस्ट फेज में थी, रेस्ट स्टेज पे थी, जब वो रेस्ट स्टेज पे थी तब उस मेम्ब्रेन का उस नर्व के फाइबर मेम्ब्रेन का इंटरनल साइड पे उसका जो पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट था। वो -90 मिलीवोल्ट क्यों था, इसलिए कि पोटेशियम आयंस की जो मूवमेंट है आउटवर्ड उस वक्त जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी वो पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा थी, उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी वो पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा थी। जब पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा थी तो मोर पोटेशियम आयंस जो हैं वो क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को इनसाइड टू आउटसाइड और इसी वजह से उस वक्त पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट था और वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहलाती। वो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन जब स्टिमुलस मिला, पैगाम वहां से तरसील करना है, मैसेज कोऑर्डिनेट करना है एक न्यूरॉन से एक नर्व फाइबर से दूसरे नर्व फाइबर में वो ट्रेवल करना है, तो उस वक्त वो पैगाम क्या करेगा, उस वक्त जो है वो पोटेंशियल नर्व का क्या करेगा, उस जो है वो पैगाम जो है उसका क्या करेगा कि पहली स्टेज क्या आएगी, डीपोलराइजेशन स्टेज, उसकी क्या कहलाएगी, डीपोलराइजेशन स्टेज कहलाएगी। अब उस डीपोलराइजेशन क्या है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन पहले पोलराइजेशन में थी, दो पोल्स बन चुके थे, कौन से दो पोल, मेम्ब्रेन की इनसाइड पे मोर नेगेटिव पोल, मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे मोर पॉजिटिव पोल, मेम्ब्रेन की इनसाइड पे नेगेटिव चार्जेस जो है पॉजिटिव चार्जेस की कमी होने की वजह से नेगेटिव चार्ज है वो -90 तक था और आउटसाइड द मेम्ब्रेन वही पॉजिटिव चार्जेस की ज्यादा होने की वजह से कसरत होने की वजह से बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल डेवलप हो चुका था। तो ये दो पोल्स क्रिएट हो चुके थे, एक नेगेटिव पोटेंशियल का पोल टू द इनसाइड, एक पॉजिटिव पोटेंशियल का पोल टू द आउटसाइड। ये पोलैरिटी जो है वो नर्व एक्शन पोटेंशियल में पहला मसला उसकी पोलैरिटी को खत्म करना है और वो जो उसकी पोलैरिटी को खत्म किया जाएगा उसको डीपोलराइजेशन किया। Polarization is the meaning of the establishing of positive and the negative potential towards outside, towards inside. This will create
two poles across the nerve membrane will be called as, this one membrane will be called as polarized membrane, but the first step of the nerve action potential is that to depolarize this one nerve membrane. इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करना, इसकी पोलैरिटी को खत्म करना पहला मकसद था. और वो क्यों कर होता है, कैसे होता है कि जब वो रेस्ट में थी तो नतीजा क्या हुआ, कोई स्टिमुलस मिला, उस स्टिमुलस के नतीजे में क्या हुआ, वही मेम्ब्रेन जो रेस्ट में थी वो क्या करेगी, सोडियम आयंस के लिए वो परमिएबल हो जाएगी. जब उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी नतीजतन क्या होगा, सोडियम आयंस टू इनसाइड वो मूव करेंगे ज्यादा. जब वो इनसाइड मूव करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, पोटेंशियल -92 बढ़ता 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 -65 तक पहुंचेगा. और आपको पता है कि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, इसलिए -65 को कम मत समझिएगा. -65 जो वैल्यू है वो ज्यादा है. -90 से वैल्यू -65 तक पहुंची. जब -65 तक वैल्यू पहुंची तो इसका मकसद क्या था कि नर्व फाइबर्स जो हैं, क्या है नर्व फाइबर्स के लिए ये जो फर्क आया राउंड अबाउट -30 to 35 millivolt का, -90 से -65 गया ना, माइनस जो है वो 30 तो -35 volt का ये जो फर्क आया है, इस फर्क की वजह से, इस फर्क को हम क्या कहते हैं, ये जब फर्क मिलता है उस मुतलका स्टिमुलस की वजह से, तो ये मकाम जब आता है वोल्टेज का, इंक्रीज इन वोल्टेज होती है, इसे हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस. अगर ये इंक्रीज इन जो है वो पोटेंशियल नहीं हो पाता, देन ये एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाता, नर्व अपने एक्शन में नहीं जाती. मतलब हम उस वक्त कहेंगे कि वो स्टिमुलस इतना कम था कि वो उसको पोटेंशियल को क्रिएट ही नहीं कर पाया. और जब वो इस मकाम पे पोटेंशियल होगा -90 to -65 पहुंचेगा, देन उस वक्त स्टिमुलस को जो है वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहा जाएगा. और ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस जो है, जब ये पहुंचेगा तो ये मेम्ब्रेन को एक्शन की तरफ ले जाएगा, नर्व को एक्शन की तरफ ले जाएगा, और डीपोलराइजेशन होगी और मजीद जो है वो सोडियम आयंस इनसाइड मूव करते जाएंगे और वही पोलैरिटी जो -90 millivolt पे रन कर रही थी वो इंक्रीज करते करते पॉजिटिव पोटेंशियल बना देगी इनसाइड द नर्व मेम्ब्रेन. पहले -90 millivolt था, फिर बता रहा हूं -90 millivolt था पोलराइजेशन के स्टेज पे, उस वक्त मेम्ब्रेन रेस्ट में थी, उस वक्त -90 था इनसाइड द मेम्ब्रेन, लेकिन जैसे सोडियम आयंस ओपन हुए वो पोटेंशियल -90 to पॉजिटिव की तरफ होता गया, इतना हुआ, वो कितना हुआ कि -90 से वो 0 millivolt तक पहुंच गया. कहां तक पहुंचा, -90 millivolt से 0 millivolt पे, मतलब मेम्ब्रेन को, नर्व मेम्ब्रेन को न्यूट्रलाइज कर दिया. वो जो पोलैरिटी डेवलप हो चुकी थी, वो जो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो चुका था इनसाइड द नर्व, वो 0 पे आ गया और नतीजतन पोटेंशियल जो है वो 0 हो गया. अक्रॉस द मेम्ब्रेन चार्जेस 0 रहे, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब 0 पे स्टॉप तब करेगा जब वो फाइबर्स जो है वो स्मॉल होंगे. अगर स्मॉल फाइबर्स में देखा जाए तो पोटेंशियल 0 तक पहुंचता है, कुछ में तो वो 0 तक भी पहुंचना मुश्किल होता है, 0 के करीब जाके वो रुक जाता है. ये स्मॉल फाइबर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग फाइबर्स में जो है, नर्व फाइबर जो है लॉन्ग है, उनमें क्या होगा कि वो पोटेंशियल 0 पे स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि वो 0 से आगे तक चला जाएगा और वो पहुंचेगा +35 में, पॉजिटिव पोटेंशियल में. वो 35 तक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये 0 तक तो वो डीपोलराइजेशन होनी थी ना, क्योंकि 0 तक पोलैरिटी -90 भी थी, उसको खत्म किया, उसको डीपोलराइज किया, 0 पे आ गया, न्यूट्रल हो गया. अब आगे तो नहीं बात हुई,
जीरो तक आ गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन ये कुछ लॉन्ग फाइबर्स में जीरो से पोटेंशियल प्लस प्लस की तरफ चला जाता है, 35 पोटेंशियल चला जाता है प्लस में। ये जैसे मैंने कर्व में दिखाया है कि ये माइनस जीरो में था और ये पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ। क्यों बढ़ना शुरू हुआ? क्योंकि सोडियम आयंस इनफ्लक्स मूवमेंट शुरू हुई। क्या? सोडियम आयंस की मूवमेंट शुरू हुई और सोडियम आयंस की मूवमेंट की वजह से ये पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ और ये कर्व इसकी निशानदेही कर रही है, इसको एक्सप्रेस कर रही है। ये कर्व जो है माइनस 90 से बढ़ती 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 जीरो पे पहुंची, लेकिन फाइबर लॉन्ग होने की वजह से ये जीरो पे रुकी नहीं, ये जीरो से बढ़ती बढ़ती प्लस 35 मिलीवोल्ट पे पहुंची। ये जो जीरो से अबव इसने प्लस 35 का वोल्टेज गेन किया है, ये ओवरशूट कर गई। इसको हम क्या कहते हैं कि मेम्ब्रेन नर्व फाइबर की जो है वो ओवरशूट कर गई है। डीपोलराइजेशन जीरो तक होना थी, जीरो तक होना थी, क्योंकि माइनस 90 से जीरो तक आई, डीपोलराइजेशन हुई, लेकिन फाइबर बड़े होने की वजह से वो पोटेंशियल जो है वो प्लस 35 तक पहुंचा। चूंकि वो जीरो से ऊपर क्रॉस कर गया, इसी वजह से इस जीरो से ऊपर पोटेंशियल जो है वो क्रॉस होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये ओवरशूट कर गया है, पोटेंशियल ओवरशूट कर गया है नर्व फाइबर्स में, जीरो से बढ़ के प्लस 35 हो गया। अब जब प्लस 35 तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 35 तक हो जाएगा पोटेंशियल, देन फिर इसका दूसरा प्रोसेस शुरू होगा कि इसको रीपोलराइज किया जाएगा। रीपोलराइज क्या होगा? रीपोलराइजेशन में कि दोबारा पोलरबिलिटी जो है, पोलैरिटी जो है वो डेवलप की जाए। वो कैसे डेवलप की जाएगी दोबारा पोलैरिटी? कि ये जो सोडियम आयंस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, दोबारा क्या होगा कि सोडियम आयंस की जो परमेबिलिटी है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है उसके लिए जो परमेबल थी सोडियम आयंस के लिए, वो स्टॉप कर जाएगी। और उस वक्त जो है वो थोड़ी सी चंद सेकंड की डिले के लिए, फौरन जो है वो उसकी डिले के बाद पोटेशियम आयंस के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और नतीजतन क्या होगा, फिर वो नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आएगा जो है, वो पोटेशियम आयंस जो है वो मूव करेंगे आउटवर्ड और उनकी वजह से एम साइड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा और ये दोबारा मूव करती करती अपने पहले स्टेज पे आ जाएगी और वो है माइनस 90 मिलीवोल्ट का। इस वजह से माइनस 90 मिलीवोल्ट में आके वो रेस्ट में चली जाएगी और जब वो रेस्ट में चली जाएगी तो फिर क्या होगा, माइनस 90 मिलीवोल्ट पे आ जाएगी, फिर वो रिसेप्टेड होगी नई आने वाले किसी भी स्टिमुलस के लिए। हाँ, याद रखिएगा, जब तक एक नर्व की मेम्ब्रेन अपने एक्शन पोटेंशियल में होती है तब तक वो किसी भी दूसरे स्टिमुलस के लिए क्या है कि वो रिसेप्टिव नहीं होती। कि जब वो मेम्ब्रेन दोबारा रेस्ट में आएगी तो ये रेस्ट मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल में होना किसी दूसरी स्टिमुलस के लिए जो है वो राह बनाता है। क्योंकि जब ये रेस्टिंग में होगी तभी क्या होगा, कोई दूसरा स्टिमुलस स्टिमुलेट कर सकता है और फिर एक्शन पोटेंशियल शुरू हो सकता है। यही वजह है कि एक्शन पोटेंशियल में जाने के बाद मेम्ब्रेन दोबारा रिपोलराइज होके वो रेस्ट में आ जाती है, मेम्ब्रेन दोबारा रिपोलराइज होके रेस्ट में आ जाती है ताकि वो फिर नए स्टिमुलस के लिए रिसेप्टिव हो सके, वो नए स्टिमुलस के लिए वो रिसेप्टिव हो सके। बात की समझा गई? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो है ये होती किस लिए है। यहां पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स मौजूद होते हैं कौन? वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो चैनल्स मौजूद होते हैं। ले ये चैनल वो सोडियम पोटेशियम के दूसरे चैनल्स की तरह नहीं है, ये उनसे अलावा हैं, ये वो लीकेज चैनल वाले काम से नहीं है, उनसे हटके हैं। अब यहाँ पे दो तरह के चैनल्स होते हैं, एक सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल, एक पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। अब जो सोडियम के चैनल्स हैं, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, लिपिड बायलेयर बनाई है, इसमें ये चैनल्स बनाए हैं, तीन आपको डायग्राम नजर आ रही हैं इसमें,
ये जो पहला चैनल है ये ऊपर से देखें क्लोज है, ये मेम्ब्रेन की आउटसाइड है, ये मेम्ब्रेन की इनसाइड है, ये मैंने जो लिखा है कि ये आउटसाइड है और ये क्या है इनसाइड है, ये आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब आपको पता है नर्व एक्शन पोटेंशियल कब शुरू होता है, जब सोडियम बाहर से अंदर की जाने पाते हैं, इसीलिए ये बाहर से ये पोटेशियम ये चैनल जो पड़ा है वोल्टेज गेटेड चैनल जो पड़ा है ये बाहर से ऊपर से देखें ये बंद है, कवर है, सोडियम आयन को मैंने तीर के निशान के जरिए एरो के निशान के जरिए जाहिर किया है कि वो अंदर आना चाहते हैं मगर वो गेट जो है वो वोल्टेज गेटर जो सोडियम के लिए है वो क्लोज है, इसलिए मैंने कहा है कि ये एक्टिवेशन गेट है। ये एक्टिवेशन गेट क्यों है, क्योंकि अभी आप कहेंगे कि यार कमाल कर रहा है, अभी गेट तो बंद है, गेट क्लोज है और ये कह रहा है एक्टिवेशन गेट है। आप यही कहोगे कि भाई अभी कह रहा है कि सोडियम गेट इंटर होंगे और सोडियम चैनल इंटर होंगे इस गेट के और ये गेट बंद है और ये गेट बंद है और फिर कह रहा है एक्टिवेशन गेट है। हाँ इसलिए ये बंद है क्योंकि सोडियम इंटर नहीं हो सकते। एक्टिवेशन गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये खुलता है तो सोडियम आयंस अंदर की जाने मूव होते हैं और इन सोडियम आयंस के मूव होने की वजह से पोटेंशियल जो है वो -90 to 35 जाता है। अब इसका नीचे वाला गेट जो है जिसे मैंने ये शो किया है एरोहेड से, ये इनएक्टिवेशन गेट है। अब आप फिर वही सवाल करोगे कि यार ये गेट तो खुला हुआ है और ये कहता है इनएक्टिवेशन गेट है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब पोटेंशियल -90 से सोडियम के एंट्री की वजह से +35 में चला जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि ये बंद कर दिया जाता है नीचे वाला गेट और इसकी इनएक्टिवेशन की वजह से सोडियम आयन मजीद अंदर नहीं आ सकते, सोडियम आयन जो है वो मजीद अंदर है इनसाइड मूव नहीं कर सकते। ये पहली डायग्राम में देखें सोडियम आयन अंदर इंटर होने की कोशिश करते हैं, एक्टिवेशन गेट जो है वो क्लोज है, दूसरे में एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हुआ और एक्टिवेशन गेट ओपन होने की वजह से सोडियम आयन ने इनसाइड आना शुरू किया, इतना आए कि उन्होंने वोल्टेज -90 millivolt से +35 तक बना दिया, -90 millivolt से +35 तक बना दिया। सोडियम जब इंटर हुए अपने वोल्टेज गेट जो एक्टिवेशन गेट है वोल्टेज गेट है उसके ओपन होने की वजह से वो अंदर इंटर हुए और वोल्टेज +35 तक पहुंचा, लेकिन जब +35 तक पहुंचा तो नीचे वाला जो इनएक्टिवेशन गेट है सोडियम का वो क्लोज हुआ और जब वो क्लोज हुआ तो उसके क्लोज होने की वजह से सोडियम आयन मजीद इंटर नहीं हो सकते। यहां पे कुछ डिलेड ऑप्शन आएगा और नतीजतन कुछ सेकंड्स का मिलीसेकंड्स का ये कुछ सेकंड नहीं कहता मिलीसेकंड का जो वो ऑप्शन आएगा उसके बाद कुछ डिले लिया जाएगा। फिर है दूसरा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है, अब जबकि मेम्ब्रेन रेस्ट में थी तब तक ये जो है वो इसका पोटेशियम का चैनल जो है वो वोल्टेज गेटेड जो है वो बंद था, वो ना तो वो पोटेशियम चैनल को जो बाहर जाने दे रहा था क्योंकि इनसाइड -90 millivolt पोटेंशियल क्रिएट हो चुका था, ये रेस्ट की बात कर रहा हूं ठीक है। लेकिन अब ये दूसरा ये ओपन कब होगा उस वक्त होगा जब ये नर्व एक्शन पोटेंशियल हो चुका सोडियम आयन अंदर मूव कर चुके और पोटेंशियल +35 पे पहुंच चुका, जब पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन नर्व के इनसाइड जो है वो 35 तक पहुंच चुका था तो फिर क्या हुआ कि ये गेट ओपन होगा, वोल्टेज गेटर जो है ये पोटेशियम चैनल जो है ये ओपन होगा और इसके ओपन होने की वजह से जैसे मैंने ये डायग्राम में शो किया है कि पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की जानिब मूव करेंगे और मूव करने के बाद क्या होगा ये +35 से -90 millivolt में ले आएगा और इस वक्त जो है वो रिपोलराइजेशन हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये रिपोलराइजेशन डेवलप होगी और दोबारा मेम्ब्रेन जो है वो अपनी रेस्ट में चली जाएगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेम्ब्रेन -90 में थी फिर उसमें डिपोलराइजेशन हुई वो -90 से जीरो जो है वो शॉर्ट फाइबर में और जीरो से अगर वो लॉन्ग फाइबर है 35 तक चला गया। इस दौरान क्या हुआ कि एक्टिवेशन गेट ओपन हुए सोडियम आयन से अंदर एंट्री मारी और जब वो +35 में चला गया तो इनएक्टिवेशन गेट बंद हो गया।
ठीक है। दूसरी बात कि रिपोलराइजेशन स्टेट में क्या होगा, उसमें माइनस 90 मिली वोल्ट जो है वो क्रिएट होगा, लेकिन कैसे, अगर वो स्मॉल फाइबर था तो जीरो से माइनस 90 जाएगा, अगर वो लॉन्ग फाइबर था तो वो जो है वो प्लस 35 तक जाएगा, और प्लस 35 से माइनस 90 तक जाएगा लॉन्ग फाइबर में। इस दौरान क्या होगा, पोटेशियम के चैनल ओपन होंगे, पोटेशियम बाहर जाएंगे। लेक्चर अगर आप लोगों को ये समझ आया है तो इसको लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।